इंदिरा गांधी के नेतृत्व में ये मोहब्बत की दुकान खुलने वाली है। देश का एक नेता है राहुल गांधी। नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब से एनडीए गठबंधन का साथ छोड़ा, इसके बाद से लगातार वो विपक्षी पार्टी के शीर्ष नेताओं से मुलाकात किया और उन्होंने बाकायदा 2024 लोकसभा चुनाव के लिए सभी विपक्षी पार्टियों को एकजुट करने की कवायद में लग गए। आज 23 जून है और ये तारीख जो है तय किया गया था बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा विपक्षी नेताओं के बैठक के लिए। और आपको बता दें कि कल 22 जून को ही 4 राज्यों के मुख्यमंत्री और एक पूर्व मुख्यमंत्री, जिसमें कि भागवत मान, अरविंद केजरीवाल, महबूबा मुफ्ती, ममता बनर्जी जैसे कई शीर्ष नेता जो है वो पहुंच चुकी थी, कि लगभग 50 से 60 फीट पोस्टर है जो राहुल गांधी का लगाया गया है। और ये बताने के लिए काफी है कि कांग्रेस ने कितना भव्य तरीके से खासा तैयारी की है। आपको बता दें कि लगभग बोरिंग रोड से आप राजा पुल होते हुए जब सदाकत आश्रम की तरफ आइएगा तो आप हजारों हजार की संख्या में कांग्रेस समर्थकों को देखिएगा। वहीं अगर दूसरी तरफ बात की जाए तो सदाकत आश्रम के मुख्य मार्ग पे आप देख सकते हैं कि लगभग उतना ही 50 या 60 फीट का जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का है। ये तस्वीर मल्लिकार्जुन खड़गे का, वहीं दूसरे साइड राहुल गांधी का जो है 50-60 फीट का जो है पोस्टर लगाया गया है और ये सदाकत आश्रम के मुख्य मार्ग पे लगाया गया है। और आज कांग्रेस के जितने भी शीर्ष नेताओं का संबोधन जो है वो मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के द्वारा किया जाएगा। वहीं अगर दूसरी तरफ देखिएगा तो ये प्रियंका गांधी का तस्वीर जो है लगभग 50-60 फीट का यहाँ भी तस्वीर लगाया गया, जो कि कहा जाए कि सोनिया गांधी का की पुत्री जो है ये हैं प्रियंका गांधी, इनका प्रतिमा जो है ये लगाया गया है पोस्टर के जरिए। आपको बता दें कि ये जस्ट बगल में आपको सदाकत आश्रम दिखेगा और इसी सदाकत आश्रम के पास आप देख सकते हैं कि हजारों हजार की संख्या में समर्थक जो हैं जुटे हुए लोकप्रिय नेता राहुल गांधी और राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के स्वागत के लिए लगे हुए हैं। बाकी सारे मुख्यमंत्री हैं, कोई किसी देश किसी पार्टी के बड़े नेता हैं, राहुल गांधी न सांसद हैं न किसी पार्टी के नेता हैं, ये देश के गरीब गुरबों के बुलंद आवाज़ हैं और देश के सबसे बड़े नेता हैं। एक बात बताइए, तो अभी मल्लिकार्जुन खड़गे आ रहे हैं, राहुल गांधी आ रहे हैं, उनका अभिभाषण भी बाकायदा सदाकत आश्रम में होगा, इसके बाद वो बैठक में जाएंगे। अखिलेश प्रसाद सिंह का जो आपके कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनका बयान है कि पहले हम मोदी को हटाने पर विचार करेंगे, बाद में किसी और टॉपिक पे भी बात करेंगे। तो क्या लगता है कि मोदी को हटा पाना संभव है? क्या बिना राहुल गांधी के इस देश में विपक्ष का कोई मोल है? क्या बिना राहुल गांधी के इस देश में कोई किसी की हैसियत है? क्या किसी विपक्षी क्षेत्रीय दल में ताकत है? राहुल गांधी देश का नेता है और राहुल गांधी नरेंद्र मोदी से अकेले लड़ने वाला इस पूरे देश का नेता है और राहुल गांधी इस देश को दिशा और दशा बदल सकता है। देख सकते हैं कांग्रेस समर्थक जो है लगातार जो है बने हुए हैं और भी जानते हैं लोगों से कि क्या बात है, मतलब क्या माजरा है। आखिर आप लोग यहाँ पे जुटे हैं राहुल गांधी के सम्मान में, मल्लिकार्जुन खड़गे जी आ रहे हैं, लेकिन क्या ये बैठक जो है लगता है कि सफल हो भी पाएगा? बिल्कुल सफल होगी, क्योंकि राहुल गांधी जी जन नेता है, हम उन्हें जन नायक बोलते हैं, जन जन की आवाज़ हैं। और ये जो भारत जोड़ो यात्रा हुई थी उसमें उन्होंने जनता की बुनियादी समस्याओं को उठाया था और क्रॉस सेक्शंस ऑफ सोसाइटी के साथ बात किया था, इसलिए ये सही मायने में भारत जोड़ने की का उपक्रम था। और नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान जो कहते हैं राहुल जी, तो नफरत की बाजार में राहुल गांधी के नेतृत्व में ये मोहब्बत की दुकान खुलने वाली है। जय कांग्रेस। भाजपा ने एक पोस्टर लगाया, पोस्टर में सीधे कहा कि जेपी के जो शिष्य हैं और जेपी को गिरफ्तार करने वाले लोगों के साथ आज आके जाके मिल गए हैं, ये कहां तक के सही? मैं कहता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी और आरएसएस का इस देश में आज़ादी में कोई योगदान नहीं था तो वो आज गद्दी पर कैसे पहुंच गए? झूठा मीडिया खरीद कर, झूठ बोलकर एक पूरे जनरेशन को बरगलाने का काम किया, इसलिए उनकी नींद हराम है हमारे माननीय नेता श्री राहुल गांधी जी से। जब से भारत जोड़ो यात्रा हुई है, या अभी आप देख लीजिए अमेरिका गए थे जबकि सांसद भी नहीं है, और जिस हिसाब से पूरे विश्व में उनकी सराहना हुई और बड़े बड़े स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में उनको बोलने का मौका मिला और सब कुछ मिला, उसके एवज में भारत के प्रधानमंत्री होने के नाते भी अमेरिका गए और कोई रिसीव करने एयरपोर्ट पर नहीं आया, तो ये झूठ क्या बोलेंगे?
इनका इनका झूठ बोलने के अलावा इनकी हैसियत क्या है? मैं एक महीने भारत जोड़ो यात्रा में रहा, मैं एक महीने कश्मीर, केरला और कर्नाटक में, और मैंने देखा कि कैसे लाखों लोगों का हुजूम साथ में चलता है। तो ये सभी जो कांग्रेस समर्थक जो हैं आज अपने लोकप्रिय नेता राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए स्वागत के लिए आए हुए हैं, अपने शीर्ष नेताओं के, बिहार के जितने भी प्रदेश के शीर्ष नेता हैं उनका संबोधन करें और बाकायदा कार्यकर्ताओं का भी संबोधन करने वाले हैं। इस तरह के तमाम अपडेट के लिए देखते रहे एक न्यूज 24। कैमरामैन जैकी के साथ मैं मनीष पटना। We'll be right back.